दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टेन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के मंथली इनकम और नेटवर्थ के बारे में बात करने वाले हैं कि इन दस में सबसे ज़्यादा अमीर लड़का कौन है अगर आप जानना चाहते हैं और इन्हीं दसों में से आपका कोई फेवरेट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉप टेन गर्ल्स के बारे में बताया था अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए जान लेते हैं कि टॉप टेन रिचेस्ट बॉय कौन है दोस्तों इस लिस्ट में जो दसवें नंबर पर हैं उनका नाम है सुपरस्टार स्टार देवासी दोस्तों जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे इंस्टाग्राम पर गुलाम थोड़ी हम उनका जन्म 14 जनवरी 2005 को राजस्थान में हुआ था आज उनके इंस्टाग्राम पर 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके YouTube पर एक लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं अगर हम बात करें उनके मंथली इनकम के बारे में तो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलाकर महीने का एक लाख से डेढ़ लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं और जो उनका टोटल नेटवर्थ है वह बीस लाख के आसपास है अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट के नवे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है दीपक जोशी दोस्तों दीपक जोशी का जन्म 10 अप्रैल 2004 को हुआ था रानी नाम था उसका भिखारी बना के चली गई आज उनके इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे दो लाख चालीस हजार सब्सक्राइबर होने वाले हैं अब हम बात करें उनके मंथली इनकम के बारे में तो दीपक जोशी अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलाकर महीने का एक से दो लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं उनका जो टोटल नेटवर्थ है वह पच्चीस लाख के आसपास है दोस्तों इस लिस्ट के जो नंबर पर आते हैं उनका नाम है लकी डांसर आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा लकी डांसर का जन्म 4 सितंबर 2001 को हुआ था उनके इंस्टाग्राम पर प्रेजेंट टाइम पर 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके यूट्यूब अकाउंट पर 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं बात करें उनके मंथली इनकम के बारे में तो लकी डांसर अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से महीने का दो से ढाई लाख रुपए कमा लेते हैं वहीं उनका जो टोटल नेटवर्थ है वह तीस से चालीस लाख के आसपास है अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट के जो सातवें नंबर पर आते हैं उनका नाम है विशाल पांडे दोस्तों विशाल पांडे का जन्म इक्कीस मार्च उन्नीस में हुआ था घर वालों से छुप के एक वीडियो बनाई थी पंद्रह लाख आए थे उस पर पता ना कैसे रिश्तेदारों को पता लग गई oh, no. मम्मी के नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया हाँ huh? मम्मी कह रही हैं तेरी वीडियो नहीं तेरी फिल्म बनाएंगे <laughs> आज उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोर पॉइंट सिक्स मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम तीन तिगाड़ा है जिसपे वन पॉइंट फाइव फोर मिलियन सब्सक्राइबर है और विशाल पांडे का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसपे उन्होंने सब्सक्राइबर को हाइड किया है फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं उनके मंथली इनकम और नेटवर्थ के बारे में तो विशाल अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम से महीने का तीन से चार लाख रुपए तक कमा लेते हैं और जो उनका टोटल नेटवर्थ है वह पचास से साठ लाख के आसपास है दोस्तों इस लिस्ट के जो छठे नंबर पर आते हैं उनका नाम है रोहित झुंझूरकर दोस्तों रोहित का जन्म नौ अप्रैल दो को सूरत में हुआ था अब ये मेरा मैटर है जब भी उस लौंडे का काम होगा, होगा, पूरा और उसका गेम मैं मैं, बजाऊंगा उनके इंस्टाग्राम पर प्रेजेंट टाइम में ही 9 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वन पॉइंट सेवन एट मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब हम आते हैं कि वह महीने का कितना कमा लेते हैं तो रोहित अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलाकर महीने का तीन से पाँच लाख रुपए तक कमा लेते हैं और उनका जो टोटल नेटवर्थ है वह अस्सी लाख के आसपास है अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट के जो पाँचवें नंबर पर आते हैं उनका नाम है अदनान शेख जो कि टीम जीरो हैं दोस्तों अदनान का जन्म 9 जनवरी उन्नीस में हुआ था और उनके इंस्टाग्राम पर प्रेजेंट टाइम में 8.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज है जो लड़के इस्तेमाल भी करती हैं और उनका नाम भी है उनका नाम भी भी है है और भी है। है और इस्तेमाल करती हैं वो हम जैसे मासूम लड़के उनका एक यूट्यूब चैनल पे है जिस पे तीन लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं बात करते हैं उनके मंथली इनकम और नेटवर्थ के बारे में तो अदनान से अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के स्पॉन्सर से मिलाकर महीने का पांच से सात लाख रुपए तक कमा लेते हैं और जो उनका टोटल नेटवर्थ है वह दो से तीन करोड़ के आसपास है अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट के जो चौथे नंबर पर आते हैं उनका नाम है रियाज अली दोस्तों रियाज अली का जन्म 14 सितंबर 2003 को जयगांव भूटान में हुआ था बेबी, मैंने सुना तुम तो इंग्लिश में फेल हो गई। हु टेल यू इट्स अनपॉसिबल आई एम वॉचिंग रिजल्ट अवे ठीक है बाय बाय मे गोड ब्लास्ट यू अगर बात करें उनके इंस्टाग्राम पर तो रियाज के इंस्टाग्राम पर सेवेंटीन पॉइंट थ्री मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनका यूटूब पे अभी तक कोई भी यूटूब चैनल नहीं बना है बात करें मंथली इनकम के बारे में तो वह अपने इंस्टाग्राम की स्पॉन्सरशिप से ही महीने का पाँच से लाख से भी ज़्यादा कमा लेते हैं और उनका जो टोटल नेटवर्थ है वह एक करोड़ के आसपास है अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट के जो तीसरे नंबर पर आते हैं उनका नाम है आवेश दरबार दोस्तों आवेश दरबार का जन्म 16 मार्च उन्नीस में हुआ था उनके इंस्टाग्राम पर 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे फोर पॉइंट सेवन मिलियन सब्सक्राइबर हैं बात करें मंथली इनकम के बारे में तो वह अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मिलाकर महीने का पंद्रह लाख तक कमा लेते हैं अब हम बात करते हैं उनके टोटल नेटवर्थ के बारे में तो आवेश दरबार का टोटल नेटवर्थ पांच से छह करोड़ के आसपास है दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट के जो दूसरे नंबर पर हैं उनका नाम है मिस्टर फैजू मिस्टर फैजू का जन्म 5 अक्टूबर उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था कितने बार कहा मैंने कि गीला बेड पे मत रखा करो उसे बाहर सूखने डाला करो एक बार में तुम्हें बात समझ भी नहीं आती है क्या? यार तुम खूबसूरत हो तो कुछ भी बोलोगी अच्छा तो तुम क्या कह रही थी कुछ नहीं आप भी माँ भी <laughs> उनके इंस्टाग्राम पर प्रेजेंट टाइम पर बीस दशमलव छ मिलियन फॉलोअर्स हैं उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वन पॉइंट टू सेवन मिलियन सब्सक्राइबर हैं बात करें उनके मंथली इनकम के बारे में तो वह महीने का पंद्रह से 18 लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब से और उनका वही जो टोटल नेटवर्थ है वह दस करोड़ के आसपास है अब हम बात करते हैं अपने इस लिस्ट के नंबर वन पे जो हैं। उनका नाम है सिद्धार्थ निगम दोस्तों सिद्धार्थ निगम का जन्म तेरह सितंबर दो हजार को हुआ था पटाना है अगर बात करें उनके इंस्टाग्राम पर तो उनको इंस्टाग्राम पर एट पॉइंट सिक्स मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके एक यूट्यूब चैनल है जिस वन पॉइंट फोर फाइव मिलियन सब्सक्राइबर हैं अब हम बात करने वाले हैं उनके मंथली इनकम के बारे में तो सिद्धार्थ निगम महीने का बीस से पच्चीस लाख रुपये तक कमाते हैं उनका जो टोटल नेटवर्थ है वह उनतीस करोड़ के आसपास है तो इन दस में से आपका अगर कोई फेवरेट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने अगले, अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के जय हिंद वंदे मातरम